बुरहानपुर के सागफाटा रेलवे स्टेशन के पास आर्मी की स्पेशल ट्रेन गुजरने से पहले ट्रैक पर फटे डेटोनेटर्स के मामले में आरपीएफ ने रेलवे के ही एक कर्मचारी को गिरफ्तार किया है। सोमवार को उसे खंडवा सिविल कोर्ट में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जगत प्रताप अटल की कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने 25 सितंबर तक रिमांड दे दी है। एक अन्य कर्मचारी से भी पूछताछ की गई, जिसे नोटिस दिया गया। गिरफ्तार आरोपी सबीर रेलवे में मेट हैं। ये गैंगमैन से ऊंचा पद होता है। उसका काम रेलवे ट्रैक पर गश्त करने का है। सबीर पर डेटोनेटर चुराने के आरोप में एफआईआर की गई है। घटना वाले दिन ही सबीर को रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने कस्टडी में ले लिया था। खंडवा आरपीएफ के इंस्पेक्टर संजीव कुमार के मुताबिक रेलवे संपत्ति गैरकानूनी कब्जा अधिनियम की धारा 3A के तहत डेटोनेटर चोरी करने के आरोप में रविवार को सबीर के खिलाफ केस दर्ज किया था। सिर्फ 2 या 3 सरकारी विभागों के पास ये डेटोनेटर होते हैं। इन्हें आरोपी को आधिकारिक तौर पर जारी नहीं किया गया है। आरपीएफ इंस्पेक्टर के मुताबिक साबिर ने पूछताछ में दावा किया है कि घटना वाले दिन वह ड्यूटी पर नहीं था और नशे में था। रेलवे अधिकारियों के अनुसार ये डेटोनेटर्स हानिकारक नहीं है। मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी स्वप्निल नीला ने बताया कि रेलवे नियमित रूप से इन डेटोनेटर्स का इस्तेमाल करता है। इन्हें क्रैकर भी कहा जाता है। फटने पर तेज आवाज करते हैं। ये ट्रैक पर आगे कोई रुकावट, धुंध या कोहरे के संकेत देने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। घटना 18 सितंबर की है। जानकारी रविवार 22 सितंबर को सामने आई थी। बुरहानपुर के नेपानगर और खंडवा के बीच स्थित सागफाटा रेलवे स्टेशन के पास ट्रैक पर कुछ डेटोनेटर्स मिले थे। मामला तब गंभीर हो गया जब पता चला कि यहां से सेना के जवानों को ले जा रही ट्रेन गुजरने वाली थी। हालांकि ट्रेन के पहुंचने से पहले ही डेटोनेटर फट गए। इससे रेलवे अधिकारी अलर्ट हो गए और सागफाटा स्टेशन पर ट्रेन रुकवा दी गई। रेलवे सूत्रों के अनुसार दिल्ली मुंबई ट्रैक पर सागफाटा से डोंगर गांव के बीच 10 डेटोनेटर करीब 1 से 1.5 फीट के अंतराल से रखे गए थे। ट्रेन खंडवा से होते हुए तिरुवनंतपुरम जा रही थी। इसमें आर्मी के अफसर, कर्मचारी और हथियार थे। मामले को रेल मंत्रालय ने काफ़ी गंभीरता से ले रखा है। और जैसे कि हमने इस वीडियो में आपको बताया कि आरोपी साबिर को 3 दिन के रिमांड पर लिया गया है। आरपीएफ ने 3 दिन के रिमांड पर उन्हें ले लिया है। आरोपी से सभी एंगल पर पूछताछ अभी जारी है।